It's really fascinating to know that Chaudhary Bansilal University, the social department, is doing wonders, and it's a new department, but they are growing like anything. So I think from my small knowledge, maybe I can increase your knowledge in this area. I will try my best to provide a value through this lecture. Wherever you face any problem during the lecture, please let me know. Okay, you are not understanding the language or concept or anything. You can unmute yourself, and or you can use the chat box in between the lecture. So it's not necessary, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लेक्चर खत्म होने के बाद ही सिर्फ क्वेश्चंस पूछें. अगर आपको बीच में भी कोई डाउट लगता है, यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट मी, देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. आप मुझसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड आई थिंक हमें ये लेक्चर थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहिए. आपकी तरफ से भी आंसर आएंगे तो वी विल फील गुड कि यस, यू आर रिस्पॉन्डिंग समथिंग. सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ. मूलरा सर, कैन वी स्टार्ट? यस सर, वी कैन सर. सर यू आर वेलकम. सर थैंक यू सर. ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल सर? यस सर, इट इज विजिबल. ओके सर, आई वुड नॉट बी एबल टू सी द चैट बॉक्स. सो इफ एनी पार्टिसिपेंट वांट्स टू आंसर और राइट समथिंग, सो प्लीज लेट मी नो. श्योर और सर. आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन स्पीक, देन इट वुड बी अ गुड आइडिया, बिकॉज चैट बॉक्स असेसमेंट इज वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड प्रमोशन टेक्निक्स. नाउ इट्स ऐसा लगता है कि बहुत हैवी टॉपिक है, पता नहीं क्या है इसमें. डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड प्रमोशन टेक्निक. सो वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. कोई बता सकता है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग क्या होता है? या सबसे पहले वर्ड क्राउड फंडिंग, इसका क्या मीनिंग है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? गुड आफ्टरनून सर. क्राउड या गुड आफ्टरनून. क्राउड फंडिंग तो हम डिफाइन कर सकते हैं इफ समवन हैव सम एनी आइडिया बट अनफॉर्चुनेटली ही इज लैकिंग मनी, तो वो अपना आइडिया शेयर करता है कि एक ग्रुप के साथ, चाहे वो कम्युनिटी हो या जो भी है. अगर उसको कम्युनिटी को या ग्रुप को, हाँ, अगर कम्युनिटी या उस ग्रुप को वो आइडिया अच्छा लगता है तो वो अपने पास जो मनी है उसको थोड़ा सा शेयर दे के वो उसको हेल्प करते हैं कि ये आइडिया है इसको एग्जीक्यूट करें. इसके बदले में हो सकता है वो कुछ एक स्टेक्स अपने पास रखे, या फिर वो इसको प्योरली डोनेशन भी कर सकते हैं कि हम के बदले में कुछ नहीं चाहते, यू गो अहेड विद योर आइडिया. राइट. सो मेजरली व्हाट डज द क्राउड फंडिंग मीन्स? लाइक द वर्ड क्राउड एंड फंडिंग, सो यू आर गोइंग टू क्राउड टू गेट द फंडिंग, राइट? दैट इज क्राउड फंडिंग. नाउ व्हाई यू आर गोइंग टूवर्ड्स क्राउड, राइट? व्हाई यू आर गोइंग टूवर्ड्स क्राउड? देयर कुड बी मैनी रीजन्स, राइट? नाउ व्हाट आर दी दोज रीजन्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, एंड पर्टिकुलरली हाउ यू कैन गो टू द पब्लिक, बेसिकली क्राउड, टू गेट द डोनेशन. इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? व्हाट आर द रूल्स? एंड इफ इट इज पॉसिबल देन हाउ शुड यू डू दिस? ऑल दीज थिंग्स
will cover in today's lecture. So this will be the flow of lecture. What is crowdfunding? Different types of crowdfunding, working model of crowdfunding, need of donation based crowdfunding. Crowdfunding is the best fundraising option for the NGO. Donation based crowdfunding platforms in India. Then a hands-on experience, okay, how you can create a fundraiser on a Facebook. What should be there? Just a few clicks will make a purpose, or you have to make a story out of it. And what is the future of crowdfunding? So these are the major topics that we are going to cover today. Okay, so let's understand first what is crowdfunding. Like rightly said, crowdfunding is the process of soliciting funds from the general public to support an idea or to create projects. When you go to the general public, आम जनता के पास आप जाते हैं पैसे मांगने के लिए, क्यों जाते हैं वो हम अभी बस डिस्कस करेंगे, और कैसे जा सकते हैं. इट डायरेक्टली कनेक्ट्स पीपल विद मनी टू द पीपल हु नीड्स इट. मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आम लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास नहीं, रिश्तेदारों के पास भी जा सकते हैं ऑब्वियसली, पर वो भी कितना देंगे. अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो हम कैसे मांग सकते हैं. इट इज नथिंग एल्स बट द क्राउड्स कलेक्टिव पॉकेट बुक, राइट. इट इज नथिंग एल्स बट द क्राउड्स कलेक्टिव पॉकेट बुक, राइट. नाउ चार तरह की क्राउड फंडिंग होती है. देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग. Equity based, lending based, reward based and donation based. अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, if someone can answer. इसमें वर्ड है equity and दूसरा वर्ड है lending. इन दोनों में फर्क क्या है? Can anyone explain me? Equity और lending में फर्क क्या है? What is the difference between equity and lending? सर ये भूमि वगैरह दान जो करते हैं उसी कैटेगरी में इसको लिया जा सकता है सर. ओके, एनीवन एल्स, एनी अदर स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट? इक्विटी किसको कहते हैं हम? एक ये टेक्निकल टर्म है इक्विटी. सर ये इक्विटी स्टॉक मार्केट वाला इक्विटी है क्या? उसमें कुछ शेयर? हाँ, क्या होता है इक्विटी? सर ये शेयर से संबंधित होता है, इसमें कुछ राइट. और जो लेंडिंग है ये एक तरह से उधार देना हो गया कुछ समय के लिए. तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लेंडिंग होता है उधार लेना, जैसे आपने कहा. इक्विटी होता है अपना पैसा, राइट. जो आप कह रहे थे शेयर मार्केट में भी क्या होता है, कंपनी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वी विल डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक. एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैंने मार्केट में शेयर लेके आए मींस अपना, जो मेरा मालिकाना हक है, मैंने मार्केट में ऑफर किया, से 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का, जो भी है, वो मालिकाना हक किसी ने खरीद लिया, मे बी 10 लोगों ने, 50, 100, 200, 1000, 1 लाख, कितने भी लोगों ने ले लिया. क्या लेके लिया? मुझे पैसे दिए, मैंने अपना हक दिया, तो वो पार्टनर बन गए, इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, इक्विटी शेयर होल्डर. तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इट विल कंफ्यूज. तो इक्विटी मींस पैसा, कंपनी का खुद का पैसा, अपना पैसा, मेरा खुद का पैसा, दैट इज इक्विटी. लेंडिंग मींस हमने उधार लिया किसी से. अब क्राउड फंडिंग में ये वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं? इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, लेंडिंग बेस्ड क्राउड फंडिंग, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग एंड डोनेशन बेस्ड. ये चार तरीके की क्राउड फंडिंग है. मतलब हम चार कारणों से जनता के पास जा सकते हैं पैसे लेने के लिए. क्या मतलब है इसका? इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, इट रेफर्स टू फंड रेजिंग बाय अ बिजनेस, पर्टिकुलरली अर्ली स्टेज ऑफ फंडिंग, थ्रू ऑफरिंग इक्विटी इंटरेस्ट इन द बिजनेस
to investors online. Now, what does this mean? This means कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, ये स्टार्टिंग के दिन है, मैंने अपना आइडिया बताया ऑनलाइन जा करके कि अच्छा मैं इस आइडिया पे काम कर रहा हूँ, तो पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और मेरे कंपनी का आप उतना पार्टनर बन जाइए। मान लीजिए मेरी कंपनी को 100 रुपये चाहिए, आपने अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो आप 10% के पार्टनर बन गए, इक्विटी शेयर होल्डर बन गए। तो आपके ये पॉसिबल है स्टार्टिंग में, जब आप लिस्टेड नहीं है, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल फर्म है और पैसे मांगना चाहते हैं तो आप पैसे मांग सकते हैं। बट इसमें एक कैच है, इंडिया में इस तरह की फंडिंग इलीगल है, यूएसए में इस तरह की फंडिंग लीगल है। तो सेबी जो है इसको अनऑथराइज्ड मानती है और इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग की परमिशन नहीं देती। सो इक्विटी क्राउड फंडिंग हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका रेलेवेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत नहीं है। हाँ, आप यूएसए या कनाडा में जाकर के अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आपके पास आइडिया है पर पैसा नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाकर अपना सारा आइडिया समझा सकते हैं और लोगों को बुला सकते हैं इन्वेस्ट करने के। दूसरा है डेट और लैंडिंग बेस्ड क्राउड फंडिंग, ये है उधार लेना किसी से, इसमें किसी को कोई मालिकाना हक नहीं मिलेगा, आपको पैसा मांगना पड़ेगा। ये भी इसका पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता है NBFC का। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पीयर टू पीयर लैंडिंग इन विच एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैचेज लैंडर्स और इन्वेस्टर्स विद बोरर्स और इशुअर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अनसिक्योर्ड लोन्स। दीज आर अनसिक्योर्ड लोन्स एंड द इंटरेस्ट रेट इज सेट बाय प्लेटफॉर्म। इन इंडिया NBFC लाइसेंस टू ऑपरेट B2B प्लेटफॉर्म टू अंडरटेक सच ट्रांजेक्शंस। तो इंडिया में लैंडिंग बेस्ड क्राउड फंडिंग अलाउड है, बट देर इज अ कंडीशन, यू शुड हैव द लाइसेंस ऑफ दैट। अब आप एक NBFC हैं, आप वो ट्रांजेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, बैंक पैसे नहीं दे रहा या किसी भी कारण से, तो ये प्लेटफॉर्म है लाइक रंग दे, जस्ट अ मिनट, आई कैन नॉट सी द स्क्रीन। Yes, so you must be looking at the screen. So there are the examples given. Okay, you go to this platform, register yourself, then you can ask, but you have to give the loans. अब इसको unsecured loan लिखा है। Unsecured loan का मतलब इस पे बहुत ज़्यादा security नहीं है। अगर कोई loan देता भी है, जैसे मैंने किसी ABCD person को loan दे दिया, इसलिए दिया कि मुझे रिटर्न वापस आएगा, तो ये अनसिक्योर्ड लोन माना जाएगा, ये सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में नहीं आएगा, राइट? तो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग हुआ एंड डेट बेस्ड। रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिटी क्राउड फंडिंग वेयर फंड्स आर रेमिटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू रिसीव फ्यूचर और एग्जिस्टिंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स, राइट? एग्जाम्पल्स हैं, आप ये वेबसाइट पे जाकर के देखिए, विशबेरी, फ्यूलर ड्रीम। मतलब ये कहते हैं कि हमें आप पैसा दीजिए और फ्यूचर में हम आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे, इसमें ना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसमें ना कुछ इक्विटी शेयर होल्डिंग इन्वॉल्व है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड बेस्ड है। जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड आप इतना यूज करेंगे तो आपको एक महीने बाद इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे दैट यू कैन रिडीम, राइट? तो ये रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग भी यही है। कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमें पैसा दीजिए, इन फ्यूचर यू विल गेट दीज ऑफर्स, दीज डिस्काउंट्स, यू विल ओनली गेट द डिस्काउंट, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे में इन्वेस्ट कीजिए, फॉर श्योर यू विल गेट दिस मेंबरशिप, दिस डिस्काउंट, दिस प्रोडक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो तो हो गया कि रिवॉर्ड मिलेगा आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई शेयर होल्डिंग नहीं मिलेगी। डोनेशन और सोशल
लैंडिंग क्राउड फंडिंग दिस इज दी मेन टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. This is a legal form of community crowdfunding where contributors are made as donations without any motive of any return. अब ये donation based crowdfunding क्या होती है कि यहाँ पे हम सिर्फ charity करते हैं. Charity, we do the charity but we do not expect any kind of return. राइट ये चार तरीके की क्राउड फंडिंग अभी एक समझने के लिए समझाई. डू यू हैव एनी डाउट? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस? आपके कोई क्वेश्चंस हैं? आपको कुछ ना समझ आ रहा हो? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आज का टॉपिक बेसिकली डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है जिसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे. इक्विटी लैंडिंग एंड रिवॉर्ड बेस्ड हमारा आज का टॉपिक नहीं है. सो Do you want to ask anything right now? Okay. Class, just give me 1 minute. I have important call to attend. Just a minute. I just come back. Sure, sir. Just a minute. Okay, sorry for the interruption. अब डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है क्या? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. इंडिया में ये कैसे काम करती है? प्लेटफॉर्म्स का जहां जहां वर्ड आ रहा है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब है वेबसाइट आम भाषा में. आपको ढूंढना है कि मान लीजिए आपको डोनेशन चाहिए या आपको डोनेशन करनी है. हम इस प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें पैसे चाहिए. हमें मींस मे बी वी एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैं गौरव होता हूँ, मुझे पैसे चाहिए किसी वजह से, या मैं एक एनजीओ चलाता हूँ तो उस एनजीओ को पैसा चाहिए. तो हम क्राउड से कैसे पैसे मांग सकते हैं लीगली? दिस इज ऑल द लीगल प्रोसेस. मुझे क्यों पैसे चाहिए हो सकते हैं? मान लीजिए मुझे कोई इलाज करवाना है जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, लेट्स से 10 लाख रुपए उसकी कीमत है, ऑपरेशन करवाना है मुझे. मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मुझे अब इलाज करवाना है, तो मैं जनता के पास जा सकता हूँ. या मुझे कोई जानता है, मेरी जान पहचान का है जिसको पैसे की ज़रूरत है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, एंड कोई भी रीज़न है. इवन बहुत अमीर लोग भी इस प्लेटफॉर्म्स का आजकल यूज़ करते हैं, और कोरोना के बाद तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इट हैज़ बिकम 3 times आफ्टर दिस पेंडेमिक हैज़ अकर. यूज़ मतलब पहले लोग कम जाते थे डोनेशन मांगने इस प्लेटफॉर्म से, लोग कम देते थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है? दैट
दैट वी विल डिस्कस, कैसे कर सकते हैं। हमें पहले सही वेबसाइट हम ढूंढना है जो हम जिस तरह के डोनेशन हमें चाहिए या करनी है। हमें उस तरह की वेबसाइट ढूंढनी है, फिर उसका एक फॉर्म होता है छोटा सा ऑनलाइन, उसको भरना है, उससे क्या है फंड रेजर स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको एक लिमिट सेट करनी है कि इतने पैसे चाहिए। आपको अपनी स्टोरी बतानी है थ्रू वीडियो और थ्रू मैसेज। आपको अपना, जैसे हम फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं, उस हिसाब से आपको पूरा बनाना है। देन आपके पास एक, जब आपकी वो फंडिंग ख़त्म हो जाएगी, फंडिंग ख़त्म हो जाएगी मीन्स सपोज आपको 5 लाख रुपए चाहिए, अगर तक तो आपके 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर नहीं इकट्ठे होते तो देन यू कैन रिक्वेस्ट द वेबसाइट क्योंकि क्लोज इट, वट एवर मनी हैज बीन कलेक्टेड यू कैन गिव टू मी, राइट। अब ज़रूरत क्यों है इन सब चीज़ की जो मैं समझा रहा हूँ। According to this report, Fiki and KPMG, the healthcare sector has witnessed 16.5% CAGR growth over the past decade, and it is expected to touch 280 billion by end of 2023. So, itna expense badh raha hai as a country hamara healthcare ka, but only 1.15% GDP ka कोई भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है हेल्थ केयर पे। मतलब हर साल अगर हम इसको इजी समझें कि 16% खर्चा बढ़ रहा है हमारा, पर उसका जो बजट एलोकेशन है वो नहीं बढ़ रहा। 16% हमारा खर्चा हेल्थ केयर पे हर साल बढ़ रहा है एज अ कंट्री, और जबकि जीडीपी में उसकी प्रोविजन हेल्थ केयर पे सिर्फ 1.15% है। इसका लाइव एग्जांपल आई थिंक हम सब ने देखा है कि अब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में क्या हुआ, कितना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, जैसे एकदम से कोई प्रॉब्लम आई एवरीथिंग कोलैप्स्ड, राइट। सो इंडियाज प्राइवेट हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज एस्टिमेटेड एट $90 billion अ ईयर, आउट ऑफ विच $90 billion एक प्राइवेट स्पेंडिंग है, जैसे मेरी स्पेंडिंग, आपकी स्पेंडिंग, सबकी स्पेंडिंग। $90 billion लोग स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर पे, डॉक्टर के दिखाना, दवाई लेना, ऑपरेशंस करवाना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें से हमारी लोगों की कोई इंश्योरेंस नहीं है। इंडिया में ऑलमोस्ट 90% पीपल आर नॉट हेल्थ इंश्योर्ड, ओनली 10% पीपल आर। तो पैसा कहाँ से, अपनी पॉकेट से जा रहा है। तो इतना सारा पैसा जब अपने पॉकेट से जा रहा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा अमाउंट है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी लो इनकम है, तो पैसा कहाँ से आएगा, राइट। सो एक एग्जांपल, जो एक प्लेटफॉर्म है जो डोनेशन इकट्ठी करता है, प्लेटफॉर्म मतलब वेबसाइट, मिलाप एक वेबसाइट है मीडिएटर, जो कि डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने एक साल में 700 करोड़ रुपीस इकट्ठे किए फॉर 1 lakh डिफरेंट कॉजेज, 1 lakh डिफरेंट कारण हुए, मतलब 1 lakh डिफरेंट लोगों को डोनेशन पहुंची, जिसकी अमाउंट थी 700 करोड़। मान लो मुझे डोनेशन चाहिए, मैं गया मिलाप पे, अपना अकाउंट बनाया, उसको शेयर किया, लोगों ने वो देख करके डोनेट किया इस तरह से, या एनजीओ बीच में आए, वट एवर। सो अब तक वो 700 करोड़ दान कर चुके हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। सो व्हाई क्राउड फंडिंग इज बेस्ट फंड रेजिंग ऑप्शन फॉर, ओके, यहां तक क्लियर है अब तक, और डू यू हैव एनी डाउट? कुछ समझना चाहते हैं, कुछ समझ में ना आ रहा हो अभी तक? ओके, आई थिंक देयर आर नो डाउट्स। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स।
ओके, थैंक यू सुमित सर। So these are different crowdfunding platforms. Impact Guru, Keto, Milap. These are the three major crowdfunding websites or platforms in India, right? So they are doing a very good job in raising the funds for the needy people. Suppose if I can just show you so Milap, what it says on Google, free crowdfunding for India. You open a website, Milap free crowdfunding for India. Right, start a fundraiser. You can go here and start the fundraiser. Now, what kind of fundraiser already been there? Thousands of fundraising online or Milap. See, this is one example. Support Karimullah Shaikh recover from COVID pneumonia, right? Suppose I click over here, or help 10 years old Arab who lost his father to COVID. Let's say this one. I go to this one. So how much money they require, whomsoever has put up this message. 50 lakh they are asking. As of now, 5 lakh has been raised by 102 people. If I want to donate, I can donate here. Go and here donate. I can donate anonymously ki mera kisi ko naam na pata chale, main wo bhi kar sakta hu. Isme option hota. So there are various things. You can generate QR and you can scan through Google Pay, this and that. Every options are there. So you go, here is the whole introduction. Ki, who is this? Who is, what you can say, that who is raising the funds for whom? Everything is given in the story, right? Now, if I am some relative or I feel that this story is true or that should be shared, you can share through WhatsApp and through Facebook. So all kind of things are there, right? So let's see ki if I want to start a fundraiser, how it is happening. I need some medical help or for education or for any establishment, right? So just a simple form, name, email ID, phone number, then continue. Let's say Gaurav 38, my personal email ID. I'm just giving you one example. So it will ask the OTP. Just to confirm that I'm not a scammer. So various questions they are asking. Beneficiary details means paisa kisko jayega, kaun hua, right? This fundraiser will benefit to whom? Myself,
माई फैमिली, माई फ्रेंड्स और सो लेट्स से माई सेल्फ, राइट? आई एम दिस, आई एम लेट्स से गौरव, एज 33, मेल, आई एम रिजाइडिंग इन लेट्स से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, एंड देन कॉन्टिन्यू. कितना रेज करना है मुझे? I will not create this. I'm just giving you example. Let's say I want 1 lakh rupees. कब तक चाहिए? 13 अगस्त तक. Okay. Hospital name, let's say कुछ भी. Location, anything. Ailment for what? Let's say heart operation. So when I will click continue, this page will develop, right? And anyone can see that page and start raising the funds, right? So this is just was the one example that we can create the fundraiser, right? Similarly, you can go to Impact Guru and Keto also. Keto is doing good. Keto is the platform of famous actor Kunal Khemu, right? He's the promoter of this thing. So how these websites earn, they cut out some kind of commission, generally 5%, depend upon the situation to situation. It's not always 5, it could be 2, or sometimes they leave also their commission. Now they say that they have the maintenance fees and all that, because they are giving so much facilities and they have staff and everything, so they charge a minimum fees. If the donation is very high, let's say 50 lakh, they will not charge 5%, they will reduce it. So depending upon the donation you are collecting, that rate vary. Generally it is 5%, right? So this is just a comparison between three websites that the PPT I will share, and you can have a look on that. And even if you are interested, you can go to these websites and go and check. Now we all use Facebook, and Facebook is also the platform where we can create a similar kind of fundraiser just a few clicks away, and we can do that. Nowadays, due to slight change in the policy of the government, if you are following the news, Twitter ka kafi problem ho rahi hai, Facebook ke sath kafi problem ho rahi hai, IT rules badal rahe hain. To abhi thoda sa unhone stop kiya hua hai Facebook ne, but they will start soon this fundraising activity. Before I go to the Facebook and will show you, do you have any questions? Whatever we are doing, do you want to ask anything? सर जब फंड रेज हो जाता है तो ये क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं क्या कि जो फंड रेजर है वो जेन्युइन है या ऐसे ही नहीं है? जब थोड़ी बड़ी डोनेशन होती है तो देखिए, मिलाप या कीटो या कोई भी वेबसाइट है, इन द टर्म्स एंड कंडीशन दे राइट वेरी क्लियरली कि ऑथेंटिसिटी की जिम्मेवारी उन वेबसाइट्स की नहीं है. दे राइट इट वेरी क्लियरली. और जो डोनर है वो अपने रिस्क पे डोनेशन दे, एक तो ये. दूसरा, जो ये क्या करते हैं, अगर डोनेशन बहुत बड़ी है और फंड अच्छे से रेज हो रहे हैं, देन दे गो एंड क्रॉस चेक. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दे ट्राई टू इंटरवीन. नंबर टू, दे हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ऑल्सो दीज वेबसाइट्स. अगर मैं एक फ्रॉडस्टर हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रॉड करता हूँ, बार बार करता हूँ, तो उसका भी एल्गोरिदम होता है कि अगर मैं एक ही कंप्यूटर से बार बार कर रहा हूँ, एक जगह से कर रहा हूँ, या सस्पिशियस, उनको कुछ लगता है कि सस्पिशन है, तो उसको वो चेक करते हैं और उसको फिर ब्लॉक कर देते हैं. तो मेरी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखते हैं कि ये किसी, जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रू कॉलर पे स्पैम लिखा जाता है,
तो इसी तरह से जब हम कोई भी इंसान फ्रॉड करता है इंटरनेट पे इस तरह के फंडिंग उससे, तो वो भी एक रेड मार्क हो जाता है किसी तरीके से। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं इनके पास दैट कैन टेक ग्रिप ऑफ दैट, बट ऑब्वियसली दीज आर नॉट 100% प्रूफ और दीज आर जस्ट अ स्मॉल मेजर्स दे टेक। एट द एंड इट्स द डोनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डोनर्स टेक कि मुझे डोनेट करना है या नहीं। गारंटी नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स की जनरली, एंड इवन कोर्ट एंड रूल्स डजंट डू मच। हाउ दिस हैपन्स इज इसका सक्सेस कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फंड रेजर स्टार्ट किया, मुझे पैसे चाहिए। अब मैं कुछ अपने 5-10 लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे जान पहचान के हैं कि आप अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, आप कीजिए। तो मेरे जान पहचान के लोग जब शेयर करेंगे जो मैंने फंड रेजर क्रिएट किया है, तो उन पे विश्वास करके लोग डोनेट करना शुरू करेंगे। आगे से आगे जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैलता है तो लोग देखते हैं कि अच्छा इन्होंने शेयर किया हुआ है, और लिखते हैं, अगर लोग कुछ लिखते हैं कि मैंने भी डोनेट किया है, आप भी डोनेट कीजिए, अपील करते हैं, तो पर्सनल ट्रस्ट अगर होता है तो लोग डोनेट करते हैं, अदरवाइज जनरली कोई डोनेट करता भी नहीं है। तो इट जस्ट अ फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, नथिंग एल्स। बियॉन्ड ट्रस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि दिस इज जेन्युइन और नॉट अ जेन्युइन। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई थिंक ओनली 1 पर्सन इज लिसनिंग दिस लेक्चर। ओके, हाउ टू क्रिएट अ फंड रेजर ऑन फेसबुक। दिस इज आई हैव ऑल्सो डन। सपोज आई हैड अ बर्थडे, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग चैरिटी, बट आई डिडंट नो दैट वॉज अ कोविड टाइम, आई डिडंट नो हाउ टू डू do a charity, where should I go, or I want to do do something new, let's say. So it's a very very user friendly platform that the fund Facebook has created. You when you log in into the Facebook, when you see upper right side, right, you will find a fundraiser option. I can show you right now if you want. So you go here on these tabs. Right, I have clicked here. So when you go down, here is the fundraisers. Right, like I said, nowadays it has been closed and it will be open soon, but what happens is like there are many fundraisers are there. If you want to see your activity, suppose I had raised say $71 for Literacy India, I have donated here. So like this, your account will be created on this particular platform. Fundraiser for Literacy India. Okay, so this was there. So I shared this fundraiser on my, like, Literacy India is a well-known agency for the poor people, a relief fund for the poor affected by COVID-19 lockdown. So to support them, what I did was I shared their post on my screen, and 7 people donated. 238 I invited, and 4 people in my friend list also shared, right? So this is the story that I had wrote. Story means the description, like this. So this you can do. How simple, you can search the charity where you want to donate, or you can start your own fundraiser. You can select, for example, you want to select for Goonj, Help Age India, Give India. So there are
many agencies are there depending upon what kind of donation you want to do. Suppose Goonj is for the old clothes, Helpage India for the old people, Akshay Patra is for all the food related donations, right? So you want to support them. So you can select any NGO that are listed with Facebook. So how much you want to raise, by which date you want to raise, all these things. For whom you are raising, so you have to fill the small form like we saw in the Milab. Then once you fill that, so share with friends, etc. This is what I have shown to you all. If you go here, there is a tab raise money. So you can just click on that and it's just a few clicks away. So the tip of creating the fundraiser is you have to write some emotional words, because people get clicked or get motivated, I would say, by an emotional story rather than just that you say, tell them ki give a charity, give a charity. They will not give charity. They get motivated by looking at these. Some, if emotions will not be touched, then there will be a problem, right? So like this, there are many examples. If anybody wants to start, so if you go to the Milab, they give you the examples how to write a story, right? So in the PPT you will get this template also, that how to write a story about any fundraising. Now, what is the road ahead? Road ahead means how these agencies are growing. Now, crowdfunding platforms are today using artificial intelligence as a lever to not only create fundraiser campaigns, but also to promote causes according to donors' past contribution. So suppose I have contributed, for Goonj, right? A Goonj NGO. Now they know that Gaurav Gupta has donated for Goonj NGO. These platforms know that. Because I have donated through their platform, I went to Milab, for example, I donated to Goonj, or I donated for a child who was suffering from cancer, let's say. So they will start emailing me if similar kind of people come for the donation, if anything comes on the Facebook, anything happens. तो वो उस तरह की ईमेल और मुझे पोस्ट देने लगेंगे कि आप यहाँ पे जा करके डोनेट कर सकते हैं, राइट? एंड जो लोग स्टोरी नहीं लिख सकते, जो ज़्यादा इमोशनल टच नहीं ला सकते, उसके लिए भी ये एजेंसीज हेल्प करती हैं. मिलाप, इम्पैक्ट गुरु, ये सब हेल्प करती हैं कि आप कंपेलिंग स्टोरी, कंपेलिंग मीन्स जिससे लोग कंपेल हों डोनेट करने के लिए, उस तरह के आप वर्डिंग्स कैसे लिखें. सो दीज ऑल बीइंग डन बाय दीज प्लेटफॉर्म्स आल्सो. रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड. सो टू कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग इज प्रोवाइडिंग वेरियस सॉल्यूशंस टू ट्रेडिशनल फंड रेजिंग एक्टिविटीज. This can be incorporated with other fundraising initiatives so that quick and viable solution to a problem can be achieved. That means, और बहुत सारे donation और fundraising activities हैं, पर crowdfunding एक बहुत effective tool है जिसको हम traditional way के साथ combine करके इसको more effective बना सकते हैं, ताकि जो भी cause है उसको meet किया जा सके, right? So I end up my presentation with the thought that giving is not just about making a donation. It is about making a difference. So it's not that you are just donating and game is over, but in a mind you should think ki okay, we are doing something because we are creating the some difference in someone's life. Our small steps may help
in creating a difference in someone else's life, right? So I thank you all for your patience listening and being a patient participant, right? Obviously, you can contact me anytime if you want to, and if you want any kind of guidance regarding crowdfunding and how to create a fundraiser, I would be happy to help you. I am an assistant professor in Christ University, Ghaziabad, and this is my official email ID. Okay, this PPT I will share with you so that the whole details should remain with you. You can always go back to the PPT, check the different steps, and check the different websites where you can start your fundraisers, right? So it would be an easy for you. Okay. Now the questions round, if anyone would like to ask anything. The students, if you have any question, you may kindly ask. You may either ask directly by unmuting yourself, or you may post in chat box also. Yes, you can write in the chat box if you are hesitant to speak. Koi problem nahi hai. Aap agar Hindi mein bhi puchna chahte hain, English mein puchna chahte hain, please puchhiye jo bhi aapko agar doubt lagta hai. Yes, Smith. सर मैं एक मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया जो रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है तो आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है MLM का मल्टी लेवल मार्केटिंग वो भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि वो पैसे लेते हैं और बदले में कुछ रिवॉर्ड देते हैं टाइम टू टाइम वो एक्चुअली क्राउड फंडिंग उसको इसलिए नहीं कहते हाँ आपकी बात ठीक है कि मेजरली वही चीज है उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं और क्राउड फंडिंग इसलिए नहीं कहते क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको लोग जोड़ने हैं साथ में राइट आप मेंबर बने फिर और आगे मेंबर बनाए और आगे मेंबर बनाए तो आपको कुछ काम करना है तभी आपको उसके बदले में वट एवर द पॉइंट्स और मनी और रिवॉर्ड्स दे विल गिव तो वो तो आप एक काइंड ऑफ जॉब कर रहे हो एक कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या जॉब कर रहे हो इन अ डिफरेंट वे मे बी इन अ पार्ट टाइम वे और समथिंग क्राउड फंडिंग तो सिंपली पैसे हमने मांगे लोगों से किसी पर्पस के डोनेशन है तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा जिसने डोनेट किया इक्विटी बेस्ड है तो मालिकाना हक मिलेगा और डेट बेस्ड है तो इंटरेस्ट मिलेगा तो दैट इज सिंपल मनी आप देते हो और उसके बदले में कुछ तो मिलता है डोनेशन करते हो तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ये फर्क है मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप कुछ जॉब करते हो काइंड ऑफ सर जॉब तो हो जाती है एमएलएम में लेकिन वो क्या करते हैं जैसे ये क्राउड फंडिंग का है ना फंडा इसी टाइप से ऐसे करते हैं कि आपको ना ये लेवल अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा फंडिंग में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ना हम किसी को सपने नहीं दिखाते चाहे वो सपने झूठे हों या सच्चे हों तो एक आइडिया दे दिया जाता है कि हाँ अगर आप डोनेशन करेंगे तो हम उस आदमी की इस तरह से हेल्प करेंगे राइट किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सर एक चीज और थी जैसे आपने ये जो कुछ एक वेबसाइट बताई थी इसमें इंडिविजुअली फंड रेज कर सकते हैं या फिर हम खुद के एनजीओ के थ्रू भी फंड रेज कर सकते हैं दोनों इंडिविजुअली भी कर सकते हैं मैं एज अ गौरव गुप्ता जाकर के फंड रेज कर सकता हूं और कोई एनजीओ मैं खोलता हूं लेट से कुछ भी नाम गूंज लेट से वो भी कर सकते हैं दोनों तरीके से ओके सर थैंक यू सर आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा ये स्मिथ और कुछ और स्टूडेंट्स ने इन्होंने कुछ टाइम पहले ही लॉकडाउन के आसपास टैब मार्च के आसपास इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा प्रोत्साहन नाम से और
एक दो महीने में इन्होंने काफी अच्छा काम करा यहाँ पे, और ये लगभग 100-100 लोगों को 3-3 टाइम जो है डेली खाना प्रोवाइड करते थे पेशेंट को कोविड वार्ड में। तो काफी लोगों ने, इन्होंने कोई भी किसी से कोई इन कैश इन्होंने कोई भी की कंट्रीब्यूशन नहीं लिया, और इन काइंड कंट्रीब्यूशन लिया लोगों ने, फूड पैकेट और राशन वगैरह इनको इनके थ्रू जो है कंट्रीब्यूट करा पेशेंट्स के लिए। तो और आपने तो बहुत अच्छे से आज क्राउड फंडिंग फंडरेजिंग के टिप्स भी दिए, तो उम्मीद करता हूँ कि स्मित के लिए खासकर और इनकी टीम के लिए तो काफी मददगार होने वाला है आज का लेक्चर। बिल्कुल तो सुमित, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग जी नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम जनरली नहीं कर पाते, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू पीपल आर डूइंग। एंड ऑब्वियसली नीड नॉट टू से इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प इन योर इनिशिएटिव ऑल्सो, सो आप कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी बहाने से हम भी कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। सो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी वेन एवर यू रिक्वायर एनी हेल्प। सो थैंक यू एंड आई सर। ऑल्सो मोटिवेट दी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि टेक द इंस्पिरेशन एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। एंड आपके लिए सुमित, फेसबुक पे एक ऑप्शन है कम्युनिटी हेल्प, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर उसमें फंड, आप मान लीजिए फंड रेज नहीं करना चाहते, बट लाइक सर सेड कि आप यू वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ काइंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, सो आप कम्युनिटी हेल्प करके एक ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कीजिए, दैट विल हेल्प यू। ओके थैंक यू सर। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें मैं अकेला नहीं था, जो आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं उसमें संदीप हैं, ये भी हम मेरे साथ ही थे, और एक सन्नी धानिया है। इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया सर, जो इतना बड़ा ये हम कर पाए, वरना अकेले से तो कहाँ पार सकता है सर। जो भी सब लोग इन्वॉल्व थे, वेरी गुड इनिशिएटिव। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सर। सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स। So, on the behalf of Department of Social Work, Chaudhary Bansi Lal University, we are very grateful to you, sir. It was really very informative session, and students have really enjoyed the session. और हम fundraising के बारे में students को पढ़ाते तो थे, लेकिन ये इतनी बारीकी से students को पता भी नहीं था, और ना ही हम कभी इतने अच्छे से crowdfunding के बारे में हमने कभी जाना। हालांकि लास्ट टाइम आपका लेक्चर हमने करवाया था, लेकिन हम स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं कर पाए थे, और वो पास आउट हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट, जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अटेंड करा था एनजीओ मैनेजमेंट के वर्कशॉप के दौरान, जब आपने क्राउड फंडिंग पे अपने विचार साझा करे थे। तो मैं पुनः सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और फैकल्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे, इस तरह से सेशन में आप हमें अपने नॉलेज जो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। रियली इट वाज अ ग्रेट टाइम टू हैव एन इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Yes, happening. Yes. Now.